अपहरण के आरोपी बने गांव के ठेकेदार। योगी सरकार में आरोपियों के डर से गांव के लोग अपहरण पीड़िता को कर रहे प्रताड़ित। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध। मामला उन्नाव जिले के कुरसठ ग्रामीण का। आपको बताते चले कि जिला उन्नाव के कुरसठ ग्रामीण में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग किशोरी का अपहरण किया गया था। उसी प्रकरण में आज कई दिन बीत जाने के बाद भी चौकी कुरसठ पुलिस नाबालिग किशोरी को न्याय नहीं दिला पा रही है। पुलिस द्वारा मामले में धारा 363 के तहत आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। नाबालिग किशोरी ने अपने साथ हुई हैवानियत के विषय में कुरसठ पुलिस को बताया भी था और कई आरोपियों के नाम भी बताए थे। किशोरी के मिलने के उपरांत पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया था। वहीं पीड़ित किशोरी का आरोप है कि कुरसठ चौकी इंचार्ज ने आरोपियों से मिलीभगत करके मामले को रफा दफा करने के चक्कर में अभी तक आरोपियों के खिलाफ सही मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है, जबकि आरोपियों ने नाबालिग किशोरी के साथ घृणित कार्य को अंजाम तक दे डाला। सबसे हटके बड़ी बात यह है कि दबंग आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि इन लोगों ने पीड़ित किशोरी से मामले में समझौता करवाने के लिए कुरसठ ग्रामीण के दुकानदारों से प्रताड़ित करवाना शुरू कर दिया है। पीड़ित नाबालिग किशोरी के अनुसार कुरसठ ग्रामीण के दुकानदार उसको सामान देने से साफ इनकार कर देते हैं। बोलते हैं पहले जाओ सजर से या फिर डॉक्टर बदरुद्दीन से पर्चा लिखा कर लाओ, तभी तुमको हमारी दुकानों से सामान दिया जाएगा। इस बेबसी के कारण नाबालिग किशोरी ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं और मेरा पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे। दूसरी ओर इस प्रकरण में कुरसठ चौकी इंचार्ज की भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि चौकी इंचार्ज आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बोलते हैं पहले जाओ सजर से मिलकर मामला खत्म कर लो, नहीं तो तुम लोगों को कुरसठ में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी, दोबारा इस चौकी में दिखाई मत देना। बड़ा सवाल, क्या इसी तरह योगी की पुलिस मिशन शक्ति को ध्वस्त करने का काम करती रहेगी या आरोपियों पर कार्रवाई करेगी? यूपी टाइम्स के लिए अनवार सफी की रिपोर्ट, सफीपुर उन्नाव। बेटा अभी तक तुम्हारे मसले में जिस दिन से तुम्हारा ये कांड हुआ है उस दिन से क्या दिक्कत आई? आपने क्यों बुलाया है हम लोगों को? हमने इसलिए बुलाया, अभी तक कोई हमारी कार्रवाई नहीं शुरू की गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अच्छा, और आगे कुछ? और यहाँ के लोगों ने हमारा राशन पानी बंद करवा दिया है। यहाँ के लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग ये मोहल्ला खाली कर दो, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे माँ बाप को और तुमको सबको मार दिया जाएगा। पहले सजर से पर्चा लिखवा के लाओ, जब तुमको राशन दिया जाएगा। यहाँ तक हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। मतलब सजर से पर्चा लिखवा के लाओ तब दुकानदार सौदा देगा तुमको? दुकानदार सौदा देगा। तो ये दुकानदार कहते हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ के दुकानदार कहते हैं। तो इसके लिए फिर आपने कोई वो करी? हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई। कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई? तो अब आगे क्या करेंगी आप ऐसे हालात में? अगर ऐसे हालात रहे तो हम लोग अपनी जान ही दे देंगे। जान दे दोगे? हाँ। तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या कहना चाहती हैं? ऐसी सरकार आई है, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही नहीं। है तो आप कभी यहाँ कुरसठ चौकी इंचार्ज से मिली जाके उनसे कहा? हाँ, दरोगा जी से कहा तो दरोगा जी ने भी कुछ नहीं कहा, सुनवाई ही नहीं की जा रही है। कोई सुनवाई नहीं? क्या कहते हैं दरोगा जी? हमको धमकी देते हैं, पैसा लेके हमारी फाइल दबा देते हैं। फाइल दबाए? किसी भी आदमी को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया, वो गाली देके हमको भगा देते हैं। कौन गाली देता है? दरोगा साहब क्या कहते हैं? कहते हैं चल जाए यहाँ से, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, और जब जाओ तो वहाँ तो कहते हैं ना किसी को गिरफ्तार करेंगे,